प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी, 5 फरवरी को हम धर्मवीर जागरणी रत्न जिन्हें परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी बड़े प्यार से लोहे का घोड़ा कहकर संबोधित किया करते थे, ऐसे सरकार श्री श्री जगदीश चंद्र जी का जन्मदिन मनाते हैं। और इस संसार में किसी भी महापुरुष को हम उनके गुणों के कारण याद करते हैं। वैसे तो संसार में अरबों लोग हैं जो जन्म लेते हैं, अभी भी संसार की जनसंख्या अरबों की है, लेकिन भविष्य में आने वाले लोग सबको याद नहीं रखते। इसका तात्पर्य यह है कि समाज उन्हें ही याद करता है जो महान कार्य करके जाते हैं। सरकार श्री को प्रत्येक वर्ष याद करने का, और न केवल उनके जन्मदिन पर, उन्हें तो वैसे हम प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान याद करते हैं, और चाहे कार्यक्रम हो या ना हो, हम सभी सुंदर साथ उनके द्वारा की गई सेवा, उनके द्वारा किए गए ब्रह्म ज्ञान के प्रचार के लिए हमेशा याद रखते हैं। ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए उनकी जो लगन है, अगर उसका 10% भी हमारे अंदर आ जाए तो आज संपूर्ण संसार में वाणी का प्रचार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। हम वैसे तो उन्हें, हम में से बहुत सारे सुंदर साथ उन्हें सद्गुरु कहते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर हम नहीं चल पाते हैं। वर्ष में 2 बार विशेष रूप से उनके जन्मदिन के अवसर पर और उनके धाम गमन के अवसर पर हम उन्हें याद कर लेते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम किसी को भी, किसी भी परमहंस को सद्गुरु मानते हैं, तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य ये है, जैसा कि आप सब पहले भी अनेक चर्चाओं में सुनते आ रहे हैं कि सेवा पूजा में एक चौपाई कही गई है, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। सतगुरु दीपक के समान है, और वह एक दीपक जिस प्रकार अनेकों दीपकों को जला सकता है, उसी तरह से सतगुरु ने हमारे अंदर भी अपने जैसा ही प्रकाश डाल दिया है, अथवा हमें भी अपने जैसा ही प्रकाशित कर दिया है, यह उस चौपाई का भाव है। और आपने बार बार इस विषय में सुना होगा कि हम हमेशा अपने सतगुरु को झूठा साबित करते हैं, क्योंकि आज अगर हमारी रहनी देखें, हमारी अवस्था देखें, तो हमारी अवस्था हमारे सतगुरु जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कि सरकार श्री संपूर्ण जीवन उन्होंने अपने शरीर को ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए लगाया। वैसे तो भौतिक रूप से मैंने उनके तन को नहीं देखा, मैं उस समय में उपस्थित नहीं था, लेकिन उनके समय में उपस्थित अनेकों सुंदर साथ के मुख से मैंने सुना है कि जब उनका अंतिम समय चल रहा था, जब उनका वह नश्वर तन छूटने वाला था, तब भी उनको यही लगन थी कि मुझे ब्रह्मवाणी की चर्चा करनी है, मुझे सुंदर साथ को प्रबोधित करना है, सुंदर साथ को जगा करके परमधाम ले चलना है। मैंने सुना कि उनकी डायलिसिस चल रही थी, तब भी डायलिसिस करा करके सीधे मंच पर चले जाते थे और मंच पर जा करके चर्चा करते थे, भले ही उनके शरीर को कितना भी दर्द हो रहा हो, लेकिन सुनने वाले श्रोताओं को वह दर्द दिखने नहीं देते थे, और पूरी लगन के साथ उन्होंने सुंदर साथ को अपनी अंतिम अवस्था तक जगाने के लिए प्रयास किया। लेकिन आज हम अपनी मीठी माया समझ लें, उसे छोड़ करके राज्य की सेवा में स्वयं को नहीं लगा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जिनको हम सद्गुरु कहते हैं, उनके द्वारा
दिखाई गई उनके द्वारा बताई गई रहनी को हम अगर 10% भी अपनाने में सफल होते हैं तो ब्रह्मवाणी का प्रचार होने में कुछ कोई देर नहीं होगी। उनके द्वारा कही गई कुछ मुख्य बातें आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। उनके द्वारा कही गई दो बातें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगी। पहली बात, सरकार से कहा करते थे कि वाणी मंथन, सेवा व चितवनी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आज हम इस चीज का भी विकल्प निकाल लेते हैं। वाणी मंथन करने के लिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, सेवा के लिए हम बहाने बनाते हैं कि हमें सेवा ना करनी पड़े, और चितवनी के लिए तो हम कह देते हैं, एक तरफ हम सरकार को सद्गुरु कहते हैं और दूसरी तरफ हम कह देते हैं कि नहीं, चितवनी तो नहीं करनी चाहिए, चितवनी करने से तो हमारा तन छूट जाएगा, और अगर ये नहीं भी कहते हैं तो चितवनी ना करने के पीछे हम बहाने बनाते हैं कि क्या करें, हम बैठना तो चाहते हैं लेकिन कभी हमारा फ़ोन बजता है, कभी हमारे ज़रूरी काम होते हैं, कभी शरीर साथ नहीं देता। सरकार ने कभी भी इस तरह के कोई भी बहाने नहीं बनाए। एक अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि एक्सक्यूज इज ऑलवेज बी एक्सक्यूज, मतलब यह है कि बहाने हमेशा ही बनते रहते हैं और बहाने हमेशा बहाने ही रहते हैं। जो बहाना बनाएगा फिर वो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, फिर वो मुख से हम चाहे कितने ही सरकार सरकार कह लें लेकिन हम सरकार के आदर्शों पर नहीं चल पाएंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, सरकार कहा करते थे कि धर्म में राजनीति और बिना धर्म के राजनीति खतरनाक है। आज वैसा ही है, राजनीति की तो बात ना करें क्योंकि उसमें कोई धर्म दिखाई नहीं पड़ता। हमारा जो क्षेत्र है धर्म का है, लेकिन धर्म में भी राजनीति, जैसा कि सरकार ने कहा था, दिखाई पड़ता है कि ये स्थान उसका है, ये स्थान उसका है, और अपने अपने इलाके बनाए हुए हैं इस स्थान, एक एक स्थान पर कब्जा करने के लिए कि ये स्थान मेरा होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, यहाँ के सुंदर साथ की जो सेवा है, यहाँ के सुंदर साथ की भेंट है, वो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे मंदिर को मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो राजनीति है ये वाणी के प्रचार को कम कर रही है, वाणी के प्रचार की जो रफ्तार होनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए, उसे कम कर रही है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए उनके जन्मदिन के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि सुंदर साथ जी, उनके आदर्शों पर चलना, ब्रह्मवाणी को अक्षरातीत का वांग्मय स्वरूप मानकर राज्य की सेवा में, अर्थात यहाँ राज्य की सेवा का मतलब यह है कि हम आत्मिक सेवा अर्थात चितवनी और फिर जीव के माध्यम से ब्रह्मवाणी के प्रचार में अपने तन मन धन को समर्पित करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची आस्था व श्रद्धा होगी। केवल जन्मदिन व धाम गमन के अवसर पर याद करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उन दो दिनों में अगर हम उन्हें याद करते हैं और उनका गुणगान गाते हैं, लेकिन बाकी अन्य दिनों में अगर उनके द्वारा बताई गई बातों के विपरीत कार्य करते हैं, ब्रह्मवाणी के प्रचार को हम बाधित करते हैं या फिर अपने तन मन धन को राज्य की सेवा में लगाने से संकोच करते हैं, तो फिर हमें सरकार श्री के सच्चे अनुयायी कहने का, अथवा हमने सरकार श्री से तारतम्य लिया है, सरकार हमारे सद्गुरु हैं, ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं होगा, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। और ये बात न केवल सरकार श्री के विषय में है, अन्य जितने भी सुंदर साथ जो सरकार श्री के अतिरिक्त किसी अन्य को भी सद्गुरु मानते हैं, किसी अन्य परमहंसों को भी सद्गुरु के रूप में मानते हैं, उनके लिए भी यही बात है कि उन परमहंसों के जन्मदिन अथवा धामगमन के अवसर पर ही याद करना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी सुंदर साथ से यही प्रार्थना है, यही आग्रह है कि हम स्वयं को राज्य की सेवा में लगाएं, उनकी वाणी के प्रचार में और उनकी चितवनी में अपने तन मन धन को समर्पित करें। यही हमारा उन सब के प्रति, चाहे सरकार श्री हों, चाहे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हों, चाहे परमहंस श्री मंगल दास जी हों, या जितने भी परमहंस हैं, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी सुंदर साथियों को एक बार यही आग्रह कि इन बातों को चाहे किसी के भी माध्यम से सुन रहे हों, चाहे आप आज मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, हो सकता है भविष्य में किसी और के माध्यम से सुन रहे हैं, इन्हें आत्मसात करें
और दूसरों को भी उस रहनी पर चलने के लिए प्रेरित करें। प्रणाम जी।